गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th की केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टेट्स, जो मैटर की जो स्टेट्स हैं उनमें क्या इम्पैक्ट होता है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, मतलब क्या चेंजेस होते हैं अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, और प्रेशर का भी क्या चेंजेस होता है, ये हम देख चुके हैं। प्रेशर के यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पास्कल, इसके यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम देख चुके हैं कि पास्कल की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, पास्कल। आज बेसिकली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके दो न्यूमेरिकल से जो हम प्रैक्टिस करेंगे टेम्परेचर का जो फॉर्मूला था, जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो तो, अगर आपने क्या पढ़ा था कि जैसे कि अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो अगर उस टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेट करते हैं तो कितना होता है 273, इतना आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। तो आज हम बेसिकली कन्वर्जन ही देखते हैं, दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, आपको डिग्री सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना। अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी समझाया था कि केल्विन ज़्यादा प्रेफरेबल यूनिट है एज़ कम्पेयर टू डिग्री सेल्सियस। रीज़न क्या है कि जो केल्विन होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव साइन में होता है, डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन में होता है, इसलिए मोर प्रेफरेबल यूनिट है टेम्परेचर की केल्विन। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अगर आप यहाँ देखिए, आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, हमको 300 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हमें पता है कि केल्विन हमें पता है, हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ से डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला निकालूँ तो टी डिग्री सेल्सियस में अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, टी केल्विन में माइनस 273, ठीक है। कैसा आया, टी डिग्री सेल्सियस को मैंने इस तरफ रखा तो 273 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में। तो अगर आपको जब भी डिग्री सेल्सियस में आंसर निकालना हो तो आप क्या करें, जो टेम्परेचर आपको केल्विन में गिवन है, जो टेम्परेचर आपको केल्विन में गिवन है उसमें से आप 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ देखें तो देखिए, इसमें हमें क्या है, केल्विन में गिवन है, तो हमें टेम्परेचर क्या इसमें निकालना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो क्या करेंगे, 300 केल्विन माइनस 273, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 7 9 माइनस 7 27, तो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में जो टेम्परेचर गिवन है उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको किस में आंसर मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो 300 में 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7, इधर बचेगा कैरी 9, 9 माइनस 7 2, तो 20 डिग्री सेल्सियस। तो होप ये थर्ड 300 डिग्री सेल्सियस आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम अगर हम बात करते हैं 573, सिमिलरली अगर हम 573 को कन्वर्ट करेंगे तो वही टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 573 माइनस 273, क्योंकि ये केल्विन में है, केल्विन में हमने यहाँ रखेंगे माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। तो टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में आएगा वो कितना आएगा, 3 माइनस 3 0 0 300 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। तो हो वो आपको समझ में आया कि किस तरह से केल्विन को डिग्री सेल्सियस में आना। तो बेसिकली हमें ये दो फॉर्मूला है, दो भी आप नहीं तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273। जब हमको अगर डिग्री सेल्सियस निकालना तो डिग्री सेल्सियस को हम इस तरफ ले जाएंगे और केल्विन को उधर लेके जाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। केल्विन हमें ध्यान रखना है स्टैंडर्ड यूनिट है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, डिग्री सेल्सियस नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब जस्ट रिवर्स्ड है, मतलब हमको अभी पहले डिग्री सेल्सियस पूछा था, अब हमें केल्विन पूछा है। तो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हमें 273 ऐड करना है, जस्ट सिंपल। तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मुझे टेम्परेचर केल्विन में निकालना है तो सबसे पहले देखिए आप टेम्परेचर केल्विन में आपको फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना गिवन है आपको, 25। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना गिवन है, 25, उसमें कितना ऐड करना है आपको, 273। तो अगर आप इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, टेम्परेचर केल्विन में अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आता है, 298 केल्विन, ठीक है। 538 और 729 और 298 केल्विन। तो आप अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस को कितना आएगा, 298 केल्विन। सिमिलरली अगर आप 373 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा केल्विन के अंदर, टेम्परेचर जो आएगा केल्विन के अंदर, सिमिलरली फॉर्मूला लगाएंगे, टेम्परेचर केल्विन इक्वल्स टू कितना जाएगा, डिग्री सेल्सियस कितना दिया आप उनको, 373 ऐड कितना करना है आपको, 273, क्योंकि ऐड करेंगे तभी ही केल्विन में आंसर आएगा। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो 3 3 6 7 7 14, 6 6 46 केल्विन, कितना जाएगा, 646 केल्विन। 3 3 प्लस 6 7 7 14 कैरी 1, 3 2 5 एंड देन 1 कैरी 1 ऐड करेंगे, 646 केल्विन, और इसका कितना जाएगा, 298 केल्विन। तो होप दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है टेम्परेचर के कन्वर्जन के लिए, ध्यान रखने, मोस्ट ऑफ दी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो होप ये आपको समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।